Hey guys, welcome to my channel. It's your host and दोस्त जी डी. आज जो है हम KWC गए हैं. ये है एक रेस्टोरेंट और आपको पता है कि आउटडोर ही अलाउड है. इंडोर सिटिंग्स जो है वो प्रोहिबिटेड की गई है, मना टोटली. इसीलिए जो है ऑर्डर करके आप टेक अवे करके लेके जा सकते हो. अब जो है मैंने इसको ऑर्डर दिया है बर्गर्स का, तो अब ये लगाना शुरू कर रहा है. इसका वे ऑफ देख सकते हो आप कि कैसा है. इसका वे है लगाने का, वे ऑफ मेकिंग कैसी है. इसने ग्रिल्स जो है वो पहले से कोयलों के ऊपर रखे हुए हैं, मतलब उसकी एक पता नहीं क्या चीज़ है वो उसने रखी हुई है. छोटी सी टेबल टाइप का वो बनी हुई, उसको सही सेक लग चुका है. अब उसके ऊपर वो चिकन जो है वो मैरिनेट करके उसने रखा हुआ पहले से, और उसके अंदर उसने ब्लैक पेपर और विनेगर मुझे लग रहा था, और शायद थोड़ा सा सॉल्ट भी होगा, बट बेसिकली यही चीज़ें थी. और अब वो उसको ग्रिल के ऊपर रखता जा रहा और इसका कोयलों की जो वो स्मेल आ रही थी ना, साथ साथ उसकी जो अमेजिंग. यहाँ पे वैसे तो इंडोर अलाउड होता तो वहाँ पे बैठ के खाओगे, बहुत मज़ा आता है. इंडोर बंद है तो आउटडोर में इतनी वो बात नहीं आती. खैर ये लगा रहा है, और उसके बाद जब ये थोड़ी देर इसको हीट अप हो जाएगा, ये इसकी साइड चेंज करेगा, देखते ही देखते ये कुक भी हो जाता है. पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं, समझ नहीं. एनी वेज इसका टेस्ट जो है वो अच्छा है, इसका KWC का. और ये ग्रिल बर्गर होता है, रीज़नेबल बहुत ही प्राइस है इसकी, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, चीप है. और बेसिकली ये चलता तब है जब आसपास होस्टल्स हैं काफ़ी ज़्यादा क्रीम पॉप में. ये क्रीम मार्केट में है बेसिकली KWC, तो इनसे ज़्यादा होम डिलीवरी भी करवाते हैं लोग. ऊपर लिखा हुआ था बोर्ड के, आप स्टार्टिंग पे जाके वीडियो को दोबारा देख सकते हो, वहाँ से इनका नंबर भी कॉपी कर सकते हो और इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो ये आपको डिलीवरी भी करवा सकते हो. अब इनकी साइड जो है ये पलटना शुरू कर दी है इसने, और देख लो वो मार्क्स जो है वो आ गए हैं उसके ऊपर ग्रिल के. मुझे पर्सनली पसंद नहीं है बर्गर्स वगैरह, आई लाइक पिज़्ज़ा, और उसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं है. बट सूट नहीं करता मुझे ऐसा आउटडोर खाना कुछ भी. एनी वेज ये बना रहा है बर्गर, इसका वे चेक करो कि कैसे बनाता है. सबसे पहले इसने रखा बन, बन रखने के बाद तो अब ये ऐड करेगा इसके ऊपर सॉस. सॉस में ये ले रहा है मायो, और इसके अंदर केचप मिक्स होती है, ये वो वाली सॉस होती है. और इसको लगाने के बाद इसने इसके ऊपर जो है ये बंद को भी कह सकते हो, उसको लेटस भी बोल सकते हो, ये वो है. और अब जो है काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा भर रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा बर्गर बनाना होता है, इसलिए उसके बाद टमाटर रख दिया. टमाटर रखने के बाद एक ही पीस टमाटर का राउंड रखा है, और आप देख सकते हो कि कम्बर जो है इसने खीरा लंबे स्टाइल से काटा हुआ. और उसके बाद इसके ऊपर उसने रखेगा अब ये चिकन पीस, अपना चिकन रखता जाएगा, चिकन रखता जाएगा, रखता जाएगा. तो बेसिकली उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सबसे पहले स्टार्टिंग में बर्गर बनाने का तरीका देख लो कि क्या होता है. सबसे पहले स्टार्टिंग में मायो लगाया जाता है. मायो से ये होता है कि जो आप ऊपर चीज़ रखते हो वो थोड़ी सी स्टिक हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है, ठीक है, स्लिप नहीं होता बर्गर आपका, बन जो है वो स्लिप नहीं होता, तो इसलिए जो है वो कोई इशू नहीं होता. वरना आपको पता है जब बर्गर खा रहे होते तो बर्गर गिर जाता है, कहीं से कहीं ऊँचा हो जाता है, कहीं से कहीं होता है. और वैसे भी ये ग्रिल बर्गर है, ये इतना बड़ा होता है कि वो वैसे भी मुँह ही नहीं खुलता है. और ये बहुत ही वो क्या मैं आपको तो अभी ये चिकन पीस इसके ऊपर रखता जाएगा स्टेक्स जो है इसके. और उसके बाद ये उसके ऊपर मैंने चीज़ बर्गर ऑर्डर किया था, अब ये चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करेगा. जब ये चिकन डालेगा उसने केचप सॉस डाली, सॉस लगाने के बाद इसने जो है वो चीज़ लगाई. ओके कूल. तो ये इससे ऐसे कि अब इसके ऊपर दोबारा से वो चिकन रखेगा, ठीक है, क्योंकि ये डबल वो था टावर, तो इसलिए जो है अब वो ऐसे करेगा. फिर उसके ऊपर दोबारा सॉस लगाएगा, और फिर इसके ऊपर मायो लगाएगा, मतलब इसका सॉस. मैंने ऑर्डर किया था एक्स्ट्रा सॉस ही जो होता है बर्गर, वो
तो उससे थोड़ा ड्राइनेस फील नहीं होती है, अदरवाइज बहुत ड्राई हो जाता है, मुझे ड्राई नहीं पसंद है। तो ये बर्गर हो गया हमारा रेडी, मेरा ऑर्डर हो गया रेडी और बहुत ही यम था ये। बट आपको एक बात बताऊँ, जब बैठ के खाने का मज़ा आता है ना, वो टेक अवे का बिल्कुल भी नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं, वो अलाउ ही नहीं है, तो अब क्या किया जा सकता। वेल इसके बाद जो है ये चीज़ बर्गर हो गया रेडी। अब इसके बाद आएंगी फ्राइज़, फ्राइज़ की बारी आएगी। अब ये इस बैग के अंदर डालता दे, जब डालता जाएगा फ्राइज़ को, और ये इसने मेरा जो नाम का बिल था वो अंदर डाल दिया। उसके अंदर डलेगी, अभी वो फ्राइज़ बना रहा था, जब वो बना लेगा तो फिर ला के वो उसके अंदर डाली उसने फ्रेश। जब फ्राइज़ उसने फ्रेश डाली उसके अंदर बॉक्स के अंदर ला के अपने, तो फिर उसने जो है वो डालना शुरू की पैक्स में। और जी इसने अच्छी खासी वैसे फ्राइज़ डाली थी, मेरे वाला जो ऑर्डर था उसमें काफ़ी ज़्यादा डल गई थी। तो वेल चलो अच्छी बात है, मैंने उसको कहा भी था, कह देते होते हैं तो वो एक्स्ट्रा डाल देते होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। तो ये थी जी वीडियो, और फिर टेक अवे कर लिया और फिर बैठ के खा भी लिया। तो इसी के साथ होता है वीडियो का एंड, और अपना ख्याल रखो, बहुत सारा दुआओं में याद रखो, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफिज़।